तो जय हिंद दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमबी स्नैक स्टोर गोपाल स्नैक स्टोर में। तो मेरे दोस्तों, मालेगाँव से तकरीबन 3 किलोमीटर मेरा प्रॉपर गांव डही और तालुका मालेगाँव जिला वाशिम। तो ये हमारे काका जी है और गजानन राजाराम बोरचाटे। तो आप देख रहे हो इनके खेत में हम आ चुके हैं दोस्तों, और इनका खेत में कुआ और इस कुएँ में धामन सांप है दोस्तों, मीडियम साइज़ का दोस्तों, 4.5-5 फुट का ये धामन सांप रहेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे बाहर निकालेंगे, रेस्क्यू करेंगे और लेके जाएंगे फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर ये आराम से रह पाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि ऐसे में खतरा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से नॉन एनोमस यानी कि बिन विषैला सांप होते हैं दोस्तों, इसमें 1% भी पॉइजन नहीं है। बाजू लो ना, वो जन वो जन एक पोट दिखा दे, लपाड़ा क्या रहती है, लपाड़ा लपाड़ा फिर बराबर आलू चाहिए ऐसे पाइप रूम में माइक आ चला है, गोपाल फोन के अकड़े से आके आके गाड़ी पूरा नहीं चला हम बापा बाबा ले ही झाली हो वीक झाली जी, रात को सो असलो पाई दे पाई 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 रात को का रात को सुन नहीं रात को सुन पाई 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 पाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो इंडियन रैट स्नेक यानी कि धामन सांप, हम जिसे हिंदी में धामन, मराठी में धामन, मराठी में एक और नाम घोड़ा पछाड़। तो बहुत ही वीक हो चुका है दोस्तों, 4-5 दिन हो चुके हैं इसे कुएं में गिरने। तो कुएं में 4-5 दिन रहने के बाद ये सांप कोई भी रहो दोस्तों थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक, मराठी में धामन, हिंदी में धामन, हिंदी में एक और नाम घोड़ा पछाड़। तो ये पूरा बिन विषैला सांप होता है दोस्तों, अभी ये 5-5.5 फुट तक है लेकिन इसकी लंबाई 10-11 फुट तक हो सकती है। पानी आग लगा? तो इसके पेट में भी पानी है दोस्तों, ठंडी का मौसम खत्म हो चुका है दोस्तों, गर्मी दस्तक दे चुकी है। धरते का तू? धर मी काढतो ता व्हिडिओ शिव्या, अरे बाबा नाही याच्यापाशी दे रे शेपुटा, कोण भातत मारते गोपाल त्याच्यापाशी शेपुटे काय करते शिवा, धर तोड नाही तर धर दे, ए गोपाल शिवा शिवा पाशी पुढे अरे दरवाजा काय होत नसते कामला से जे पाय जो जोडा नाही बरं इंडियन रैट स्नेक इसलिए कहते हैं दोस्तों इसे, क्योंकि रैट यानी चूहा, तो चूहों को सबसे ज़्यादा खाने वाला सांप इंडियन रैट स्नेक यानी कि आपके नज़रों के सामने धामन सांप। तो गजानन बोरचाटे हम इनका धन्यवाद देंगे दोस्तों कि इन्होंने ये सांप मारा नहीं, हमें फ़ोन लगाया और हम यहाँ 5 मिनट में यहाँ हाजिर हुए दोस्तों।
ये पूरा बिन मिसाला सांप होता है दोस्तों। अगर ये सांप किसी इंसान को या किसी भी जीवित को ये सांप काट ले तो डरने की जरूरत नहीं, गदड़िया, क्योंकि ये बिन मिसाला सांप होता है दोस्तों। इसमें 1% भी पॉइजन नहीं पाया जाता। और सांपों को ना माने दोस्तों, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र है, इन्हीं की वजह से पर्यावरण सेफ रहता है। किसान का अच्छा सबसे अच्छा दोस्त है दोस्तों ये मित्र है। इसके पेट में बहुत ज्यादा पानी हो चुका है दोस्तों। आते वार के जो में जा पाया पशु होता अपन जाते एड्रेस ले काय ना मंगे ती काढता येते आवाज। बहुत ही फुर्तीला सांप होता है दोस्तों। हां अब ये शांत हो चुका है। फिर वो काट रहे क्या? तो अब ये नहीं काटेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पेट पर ये वीक हो चुका है, पानी में रह कर वीक हो चुका है दोस्तों ये सांप। यहाँ पर थोड़ा ब्लड भी आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो इकड़े। तो ज़्यादा टाइम न कमाते हुए हम इसे बैग में पैक करेंगे और इसे पर्यावरण में रिलीज करेंगे दोस्तों। तो सांपों को बचाने का, डर दूर करने का और जानकारी देने का सफ़र जारी है और ऐसे ही जारी रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी रेप्टाइल की मदद करते हुए, ऐसे ही किसी डरे हुए परिवार की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। और गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। बाजू दाखो सगळं मुली नको दाखवू, बाय। काय नसते ते व्हिडिओत नाही, त्याच्यात काय नसते ते सगळं भारतात जाते। बरं का आपली ईर गी